बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स, 10th मैथ्स का लेक्चर नंबर 6 है आज हमारा, और इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2, जिसके हमने 6 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लिए थे पहले, और अब नेक्स्ट जो 4 पार्ट्स हमारे पास रह गए हैं आज हम वो करेंगे। और इसमें कुछ 7th पार्ट आप देखें हमारे पास दिया हुआ है, 3 over x minus 6 माइनस 4 over x minus 5 इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स, इसको पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम देख रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए आप देखें x माइनस 6 एंड x माइनस 5 ये डिनोमिनेटर में है, तो ये एलसीएम बनेगा हमारे पास, तो इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स। इसको भी हमने एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, इसको भी, और 1 को भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं x माइनस 6 से कैंसिल, 3x एंड 3 5s are 15 माइनस एज इट इज़, x माइनस 5 से कैंसिल, 4x एंड 4 6s are 24 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, x square x को -5 से, -6 को x से, एंड -6 को -5 से +30 आ गया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमने ये जब ब्रैकेट्स एक्सपेंड की तो इस माइनस की वजह से ये साइन हमारा चेंज हो जाएगा, बाकी एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पर ये सब एज इट इज़, ये दोनों टर्म्स -11x बन गई और 30 आ गया। 3x में से 4x माइनस किया, -x आ गया, -15 + 4 9 आ गया, ये सब एज इट इज़ आ गया। उसके बाद ये माइनस एक्स को हम उधर लेकर जाएंगे और 9 को भी, तो x² - 11x ये -x इधर आके +x बन गया, और 9 30 के बाद -9 हो गया, और यहाँ पर x² - 11 + x - 10x एंड 30 - 9 + 21 ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और उसके बाद इस स्टैंडर्ड फॉर्म को बनने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसके लिए आप x² का कोफिशिएंट देखें, हमारे पास 1 है जिसको हमने a ले लिया, x का कोफिशिएंट -10 है जिसको हमने b ले लिया, और कांस्टेंट टर्म को हमने c लिया, और क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया। और उसके बाद इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम a, b और c की वैल्यूज पुट अप करने जा रहे हैं। तो हमने -b की जगह पे -10 ले लिया, b का स्क्वायर, -10 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 21 अंडर रूट, -+ हो गया, -10 का स्क्वायर 100, इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया 34 आया, अंडर रूट इन दोनों को माइनस किया 16 आ गया, 16 का अंडर रूट 4 आ गया। और उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्लस माइनस है, तो एक दफ़ा प्लस की फॉर्म में लिखा और एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में, 10 4 14 by 2 डिवाइड किया 7 आ गया, 6 by 2 डिवाइड किया 3 आ गया, तो सोल्यूशन सेट मेरे पास आ गया 7 और 3। तो उसके बाद स्टूडेंट्स देखें, हम 8th पार्ट करेंगे जिसकी इक्वेशन आपको ये नज़र आ रही है, इसको थोड़ा सा सिंपल करेंगे इन दोनों टर्म्स को एज इट इज़ लिख के, 2 3s are 6 एंड 1 हो गया 7 by 3। और उसके बाद हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सिंपलीफाई करके, तो उसके लिए आप डिनोमिनेटर में देखें 3x एंड x - 1 है, तो इसके साथ बोथ साइड्स आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस टर्म को भी हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इस टर्म को भी हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर x - 1 से कैंसिल होगा, तो 3x को x से मल्टीप्लाई किया, 3x² एंड 3x into 2 6x आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि x से कैंसिल, 3 एज इट इज़ आ गया, और इन दोनों टर्म्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x को 4 से 4x, x को -x से -x², -1 को 4 से -4, -1 को -x से तो +x आ जाएगा, और यहाँ पर 3 से कैंसिल, 7x एंड x - 1 ये हमने लिख लिया इसको। उसके बाद ये एज इट इज़ आ गया हमारे पास, -3 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, -3 4 -12x इसको इसके साथ किया तो +3x² आ गया, -3 को -4 से +12 बन गया, और ये इसके साथ -3x, 7x को x से 7x², 7x को -1 से तो -7x।
उसके बाद स्टूडेंट्स देखें यहाँ 3x² और 3x² ये हो गया 6x², 6 - 12 -6 एंड -3 -9x आ गया हमारे पास। ये जितने भी x वाले हम इकट्ठे कर लिए, आगे +12 एज इट इज़ आ गया, ये दोनों एज इट इज़। उसके बाद इन दोनों टर्म्स को भी इधर ले आए, 6x² -7x² -9x और +7x और +12 आ गया। इन दोनों को माइनस किया, -x² -9 +7 -2 आ गया और +12। यहाँ से माइनस कॉमन लिया हमने, तो x² +2x -12 इज इक्वल टू 0, -0 हो जाएगा। और यहाँ पर ये चीज़ हमारे पास रह गई है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास बन चुकी है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए से अब सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये जो है। तो ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की 2 है, सी की -12। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप यूज़ करते हुए इसको खुद से आप स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे, ये आई थिंक बहुत आसान है। क्वाड्रेटिक फार्मूला से आगे आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो 9th पार्ट है वो आप देखें स्टूडेंट्स, ए ओवर एक्स माइनस बी प्लस बी ओवर एक्स माइनस ए इज़ इक्वल टू 2। यहाँ पर देखिए हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपको मैंने ये बारहा बताया हुआ है कि जब भी कोई इक्वेशन आपको गिवन है तो उसको सबसे पहले आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर आपको जो मेथड डिमांड किया गया है वो उस पर आपने अप्लाई करना है। तो उसके लिए हम देखें, इसको सिंपलीफाई करने के लिए इसका एलसीएम जो बन रहा है हमारे पास एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, उसके साथ हमने बोथ साइड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाली टर्म को भी, इस वाली टर्म को भी और इस वाली टर्म को भी। उसके बाद यहाँ देखें, एक्स माइनस बी से कैंसिल, तो ए एक्स एंड ए इंटू ए माइनस ए स्क्वेयर। उसके बाद यहाँ पर एक्स माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा, तो बी एक्स और बी को माइनस बी से, तो माइनस बी स्क्वेयर आ गया। टू एज इट इज़ इन दोनों टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई किया है, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स एंड माइनस बी इंटू माइनस ए प्लस ए बी। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं, ए एक्स मैंने अरेंज किया इसको, फिर बी एक्स लिखा, फिर माइनस ए स्क्वेयर, फिर माइनस बी स्क्वेयर, टू को अंदर हमने मल्टीप्लाई किया है इन सब के साथ, तो टू आ जाएगा। उसके साथ बाद हम ये जो चारों टर्म्स हैं इनको भी उधर लेकर जा रहे हैं, 2x² -2ax -2bx +2ab, और ये दो चारों टर्म्स हैं ये दोनों ax प्लस बी एक्स इधर आके माइनस हो गई, और ये दोनों टर्म्स -a² -b² इधर आके प्लस हो गई। उसके बाद आप देख रहे हैं, इनको हम मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, 2x² -2x और -ax -3ax -2bx और -bx -3bx a² प्लस b² एंड +2ab, यूँ हमने इनको अरेंज करके लिख लिया। उसके बाद आप देखें, 2x² है, इन दोनों टर्म्स में आप देख रहे हैं 3 कॉमन लिया मैंने और अंदर पॉजिटिव हो जाएगा साइन, और उसके बाद इनमें एक्स भी कॉमन है, तो एक्स इस साइड पे लिख लिया मैंने इसको अरेंज करके। और यहाँ पर देखें, दिस इज़ फार्मूला ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, तो इसकी दूसरी फॉर्म हमारे पास क्या है, ए प्लस बी का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, एक्स स्क्वेयर वाली टर्म में पहले, फिर एक्स वाली है, और फिर कांस्टेंट टर्म में विदाउट एक्स वाली। तो एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट 2 है, ए 2 आ गया हमारे पास, एक्स का कोएफिशिएंट ये है -3 इंटू ए प्लस बी, दिस इज बी एंड दिस इज सी। और उसके बाद हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर माइनस बी की वैल्यू हमने पुट अप की, आप ऊपर देख रहे हैं ये वाली वैल्यू, और उसके बाद यहाँ b का स्क्वेयर है, तो b की वैल्यू का स्क्वेयर आ गया -4, और a की जगह पे 2 उसकी वैल्यू हमने लिखी, और c की जो वैल्यू है वो c की जगह पे हमने पुट अप कर दी है, और नीचे भी a की वैल्यू 2a यानी 2 इंटू 2 आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं आगे मज़ीद, तो आप देखें ये एज़ इट इज़ आ गया हमारे पास, यहाँ पर 3 का स्क्वेयर 9 बना, और ए प्लस बी का स्क्वेयर एज इट इज़ आ गया -8 इंटू ए प्लस बी का स्क्वेयर, ये हमने मल्टीप्लाई के साथ गेन किया, ये आ गया हमारे पास 9 इंटू ए प्लस बी स्क्वेयर एंड -8 इंटू ए प्लस बी स्क्वेयर। तो ये दोनों सेम टर्म्स हैं, तो 9 में से 8 हमने माइनस किया, तो यहाँ आ जाएगा 1 इंटू ए प्लस बी का स्क्वेयर।
ये ए प्लस बी का स्क्वेयर का जो स्क्वेयर है ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस बी आ गया। और यहाँ पर आप देखें यहाँ प्लस माइनस है, तो एक दफ़ा हम इसको प्लस की फॉर्म में लिखेंगे और एक दफ़ा हम इसको माइनस की फॉर्म में लिख लेंगे। दोनों टर्म सेम है, तो सो 3 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 4a + b/4, 4 से कैंसिल, तो ए प्लस बी आ गया। यहाँ भी आप देख लें दोनों टर्म सेम है, 3 में से 1 माइनस कर लें, 2 आ जाएगा, a + b/4, 2 2 = 4, तो a + b/2 आ गया। तो सोल्यूशन सेट बना मेरे पास a + b और a + b/2। फ्रेंड्स ये 9th पार्ट जो है ना इसको हमने सॉल्व किया है। उसके बाद आप इसका 10th पार्ट और लास्ट वन जो पार्ट है वो देख लें, -l + m - lx² + 2l + m (x = 0) इसको हम अरेंज करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। तो एक्स स्क्वेयर वाली टर्म ये पहले आ गई हमारे पास, उसके बाद ये एक्स वाली टर्म है, फिर हमने इसको लिखा, और फिर ये विदाउट एक्स वाली यानी कांस्टेंट टर्म को हमने लिखा। अब हम यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज़ लिख लेंगे, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस वन इज़ सी। यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ किया हमने, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2l + m, वो उसकी जगह पे पुट अप की, बी का स्क्वेयर यानी 2l + m का स्क्वेयर -4, ए की वैल्यू है हमारे पास -l और सी की वैल्यू है हमारे पास -l + m। एज इट इज़ 2l + m का स्क्वेयर हमने जो a + b का स्क्वेयर है वो फार्मूला अप्लाई किया यहाँ पर, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी, तो ए का स्क्वेयर यानी 2l² 4l² आ जाएगा, बी का स्क्वेयर m² और 2 × 2l × m मीन्स 2 4lm बन जाएगा ये। यहाँ पर देखें माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और 4l को l से तो 4l², ऐसे 4l को m से तो 4lm आ जाएगा। और उसके बाद आप देखें यहाँ पर 4l² 4l² से कैंसिल, और 4lm - 4lm से कैंसिल, तो यहाँ जस्ट m² रह जाएगा। m² का हम अंडर रूट लेंगे तो जस्ट m आ जाएगा। और उसके बाद आप देखें यहाँ पर एक दफ़ा प्लस आ जाएगा और एक दफ़ा माइनस में आ जाएगा ये, और साथ ही हमने ये ब्रैकेट भी एक्सपेंड की है, तो ये माइनस हो जाएगा, -2l -m और +m, -2l और फिर ये -m, और यहाँ पर एकदम माइनस के साथ। यहाँ पर देखिए -m + m से कैंसिल, -2l रह गया, नीचे भी -2l है, ये दोनों कैंसिल हुए आपस में, तो 1 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ भी देखिए आप -2l है, -m एंड -m - 2m बना, -2 दोनों में से कॉमन लिया, l + m रह गया, -2 - 2 से कैंसिल, तो l + m/l आ गया। तो सोल्यूशन सेट आ जाएगा 1 and l + m/l। तो ये 10th पार्ट जो है ना इसको हमने सॉल्व किया, जो लास्ट वन पार्ट है ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ ये आपको कुछ एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं, इससे पहले एग्जांपल नंबर 1 आप देख लें, ये भी आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से खुद सॉल्व करेंगे। और उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 है, क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए इसको भी आपने सॉल्व करना है। इसको भी पहले आपने सिंपलीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म बना के उसके बाद आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे। होपफुल स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग टेस्ट के लिए रेडी होंगे। नेक्स्ट जो आपका टेस्ट आ रहा है वो थर्सडे को आपके शेड्यूल के मुताबिक वो होगा, और उसमें यहाँ तक जो हमारा जो हमने पढ़ा हुआ है 1.2 तक, ये सारा उसके सिलेबस में शामिल होगा। आप लोग टेस्ट की भी तैयारी करते रहें ताकि टेस्ट में आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम हम सबका हामी नासिर हो। आमीन।